जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना नॉलेज 7.0 पे। और आज हम बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश सरकार की आपदा राहत योजना के बारे में, जिससे कि सभी श्रमिकों को 1,000 रुपये की राशि उनके खातों में मिली थी। यदि आप भी श्रमिक हैं और श्रम विभाग में पंजीकरण करवा रखा है, यदि आपके खाते में अब तक राशि नहीं पहुँची है, तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को अंत तक। और कैसे राशि आप तक पहुंचेगी, ये हम पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको श्रम विभाग द्वारा ये जो पहचान पत्र है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। क्या करेंगे कि इसमें एक नया आधार वेरिफिकेशन चालू किया गया है श्रम विभाग। तो इस श्रम विभाग के द्वारा जो आधार वेरिफिकेशन चालू हुआ है, इसमें कुछ लोगों का आधार मिसमैच हो गया है, जिसमें किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या किसी के फादर नेम में कोई त्रुटि है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई थी। इसलिए ऐसे लोगों का पैसा जो है विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है। तो सिर्फ ऐसा करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है और ये पहचान पत्र, जिसमें कि यहाँ पर पंजीकरण संख्या, ये देख लीजिए, इसका काम लगेगा। आगे बताते हैं वीडियो में। तो पंजीकरण वाला पहचान पत्र और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड और पहचान पत्र जो श्रम विभाग द्वारा मिला हुआ है। और अब क्या करना है, हमको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ये ओपन कर लिया हमने अपना क्रोम ब्राउजर। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम सिंपली टाइप करेंगे upbocw.in। इस वेबसाइट पे हमको जाना है, जो कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की ऑफिशियल साइट है पब्लिक यूजर्स के लिए। इसमें सारा डाटा हमको मिल जाएगा श्रम विभाग का, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं अब तक, कुल कितने पंजीकृत श्रमिक हैं इसमें, 102.86 लाख ये इतने पंजीकृत श्रमिक हैं इसमें, जो इसमें 21-22 जो आपका वर्तमान सत्र चल रहा है, 5.25 लाख करीब श्रमिक इसमें पंजीकृत हुए हैं, जिसमें नवीनीकृत टोटल में से इतने नवीनीकृत श्रमिक हैं जो अंशदान जमा होता है वही श्रमिक, और अब की साल में जो नवीनीकरण हुए हैं इसमें 2.94 करीब 3 लाख से थोड़ा सा कम है। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखना है हमारा आधार सत्यापन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको श्रमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आना है, ये यहाँ पे आ गया, अपना आधार सत्यापित करें। जी हाँ, ये अपना आधार सत्यापित करें पे इस पे क्लिक करेंगे। और अब देखते हैं, इसके लिए हमें अब श्रमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, अपना आधार सत्यापित करें वाले ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे हमको जाना है। यहाँ पे मंडल चुन लेंगे, जिस मंडल में आपका ज़िला आता हो। मान लीजिए एक हमारे पास है, वो लखनऊ ज़िले का है एक श्रमिक का, लखनऊ मंडल का, हमने लखनऊ यहाँ चूज किया। और इस ऑप्शन पे श्रमिक की पंजीयन संख्या, इस वाले में हमको फिल करनी है, तो फिल कर लेते हैं। ये हमने फिल कर लिया है, इस वाले में पंजीयन संख्या, और इसको हमको सर्च करना है। तो देखिए, मैंने पहले से सत्यापित कर रखा था, तो इसलिए ये दे रहा है कि दिया गया आधार नंबर पहले से सत्यापित हो चुका है, अर्थात इस अकाउंट में अब आपदा राहत का 1,000 रुपये आ जाएगा। और आप अपना चेक कर सकते हैं इसी तरह। मैं मान लीजिए दूसरा एक चेक करके दिखा रहा हूँ आपको।
ये हमने दूसरे श्रमिक का पंजीयन संख्या यहाँ पे दर्ज किया और अब हमको सर्च पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए इनका नाम गीता देवी है। तो सिंपली हमको ये चेक करना है कि क्या जो हमारा आधार नंबर सही है या नहीं। आधार नंबर तो सही होगा आपका, मान लीजिए आधार के अनुसार हमारा नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बीच में कहीं स्पेस तो नहीं है। दूसरी बात, पिता का नाम हमारे कैसे लिखा हुआ, बीच में कहीं स्पेस तो नहीं है, इसी कारण हो सकता है हमारा आधार वेरिफिकेशन ना हुआ हो। जन्मतिथि हमें ज़रूर चेक कर लेना है, कहीं जन्मतिथि ना गड़बड़ हो गई हो। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है, जब डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ रहती है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रॉल सर्वर थोड़ा पीछे रहता है, इसको हमको और स्पेस जूम आउट करना है, स्पेस से हटाना है, बैक स्पेस से। तो इस पर फिर से हमको क्लिक कर देना है, अब रियल एज हमारी मिल जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ घोषणा पे इस ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश और दोनों में लिखा हुआ है, फिर इस ऑप्शन पे हमको टिक करना है, इस पे यहाँ पे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसको हमने कई बार ट्राई कर चुके थे हम, और ये लॉक हो गया है। मान लीजिए आपका नहीं होता है, कई बार करने के बावजूद आपका नहीं होता है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा यहीं बगल में, क्लोज के बगल में, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर दिखाता है कि दिया गया आधार नंबर सबमिट वेरीफाई नहीं हुआ है या सत्यापित नहीं हुआ है, यहाँ तो सत्यापित दिखा रहा है पिछला वाला था, अगर दिखा रहा है कि सत्यापित नहीं हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने पहचान पत्र जो श्रम विभाग वाला है उसकी प्रति और एक आधार की प्रति आपको ले जाकर श्रम विभाग के नज़दीकी कार्यालय में आपको जमा करनी है, वहाँ से आपको आधार सत्यापन निःशुल्क होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको आपदा राहत का 1000 रुपये भी मिल जाएगा। लेकिन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आधार वेरिफिकेशन आपको निश्चित तौर पे आपको करवाना है। यदि आप अपने कार्ड में, पहचान पत्र में, श्रम विभाग वाले पहचान पत्र में आधार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको कोई भी लाभ श्रम विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए आप अपना आधार वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ना डिसलाइक कीजिए हमसे बने रहने के लिए, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।